और बड़ी खबर, दिल्ली में आज से देश का पहला वर्ल्ड फूड इंडिया मेला शुरू हुआ है और समाचार प्लस से आचार्य बालकृष्ण ने इस दौरान एक्सक्लूसिव बातचीत की है, क्योंकि इस बार का ये मेला इसलिए भी खास है क्योंकि चर्चा हो रही है खिचड़ी को नेशनल फूड बनाने पर। जी हाँ, खिचड़ी इन दिनों काफी चर्चा में चल रही है, तो इस पर आचार्य बालकृष्ण ने कहा है कि खिचड़ी भारत का एक ऐसा भोजन है जिसे आसानी से हर वर्ग हर तबके के लोग अपने अपने हिसाब से बना सकते हैं और देश के लगभग हर हिस्से में अलग अलग रूप में खिचड़ी बनाई जाती है, तो ऐसे में खिचड़ी नेशनल ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल फूड बनने की क्षमता रखती है। तो और बातचीत आई आपको सुनाते हैं। खिचड़ी आजकल राष्ट्रीय चर्चा का विषय बना हुआ है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है पतंजलि से आचार्य बालकृष्ण जी, जो कि वर्ल्ड फूड इंडिया सम्मेलन में शामिल होने के लिए दिल्ली आए हुए हैं। आचार्य जी, खिचड़ी राष्ट्रीय भोजन बनाने की मांग की जा रही है, राष्ट्रीय चर्चा है। निश्चित रूप से खिचड़ी तो, क्योंकि हम सब जानते हैं खिचड़ी को, भारतवर्ष में हम किसी भी कोने में रहते हों या मैं कहूं कि एशियन कंट्रीज में भी खिचड़ी को, यदि अन्य देशों में भी कई जगह पर, बनाने की विधि थोड़ी सी अलग अलग है, उसमें पड़ने वाले पदार्थ थोड़ी सी, उसमें रेशो में मात्रा में थोड़ी भिन्नता है, पर खिचड़ी सब जगह बनती है और आयुर्वेद की दृष्टि से भी वह सुपाच्य है और सब लोगों को खिलाया जा सकता है, बच्चों से लेकर के बूढ़े तक के लिए। तो इसलिए खिचड़ी एक बहुत अच्छी चीज है और खिचड़ी क्योंकि ये राष्ट्रीय रूप में खाद्य भोजन के रूप में यदि दुनिया में इसकी पहचान होती है तो ये बहुत अच्छी। वर्ल्ड रिकॉर्ड तो बनी रहा है, लेकिन खिचड़ी की ब्रांडिंग कैसे हो, क्या नेशनल फूड? सभी चीजों के ऊपर हमको ध्यान देना होगा, तो यदि इस तरह के आयोजन से उसके विषय में लोगों की रुचि भी बनेगी, थोड़ा लोगों का ध्यान भी जाएगा और हम बड़े लेवल पर इस काम को कर सकेंगे। वर्ल्ड रिकॉर्ड तो बनी रहा है, लेकिन खिचड़ी की ब्रांडिंग कैसे हो, क्या नेशनल फूड का दर्जा दिया जाना चाहिए? नेशनल फूड है ही है पहले से ही।